फ्रेंड्स वेलकम बैक मै यूट्यूब चैनल एम एस मेज अपलोड करता हूँ बी एस सी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर सो एटॉमिक फिजिक्स में इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हम कपलिंग स्कीम्स के बारे में सो इससे पहले हमने एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं वह सब आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आई टैप पे क्लिक करके भी आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी एलेस कपलिंग एंड जे जे कपलिंग सो एलेस कपलिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक्चुअली सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कपलिंग स्कीम में हम कपलिंग पढ़ते क्यों हैं कपलिंग का मीनिंग क्या होता है ठीक है कपलिंग होता क्या है क्या वो हमको समझना है तो ये क्लासिकल जो थ्योरी है उसी से रिलेटेड जो टॉपिक टॉपिकली जैसे दो फोर्स का आपस में कपलिंग होता है उसी टाइप से दो ऑर्बिटल्स जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ऑर्बिटल्स का भी आपस में क्या होता है कपलिंग होता है कैसे होता है देखो हम जानते हैं कि जो लाइक एटम्स जो होते हैं उनमें लाइक ऑर्बिट्स ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ में स्पिन मोशन भी होता है ठीक एटम्स की अगर हम बात करें तो वी नो दैट एन एटम लाइक इन एन एटम देर इज अ ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मोशन ऑर्बिट मोशन भी होता है स्पिन मोशन भी होता है इन द इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिट मोशन भी होता है ऑर्बिट में भी चलते हैं और वो खुद का एक उनका पर्टिकुलर अपना भी एक स्पिन मोशन होता है जो तो कि सेवनटीन नाइनटीन सेवेंटी फाइव के आसपास उन्होंने स्टनगर्ल एच और सॉरी गुड स्मिथ और एनहेल uh, बैक ने बताया था ठीक है तो ये सारा कुछ यहां पे इन्होंने डिस्कस किया था स्पिन के बारे में इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में ठीक है सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ठीक है तो इट क्या क्या होगा उनके, क्या होगा उनके उनमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा यहाँ पे सो ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिल कपल टू प्रोवाइड द एंगुलर मोमेंटम जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है जे वो बनाने के लिए उन लाइक वो टोटल Angular मोमेंटम बनाने के लिए जो ऑर्बिट Angular मोमेंटम और स्पिन Angular मोमेंटम आपस में कपल हो जाता है जुड़ जाता है ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम ऑफ कपल सो फर्स्ट हम बात करते हैं जे जे सॉरी एलएस कपलिंग के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द जे जे कपलिंग ठीक है तो एलएस कपलिंग के बारे में समझते हैं एलएस कपलिंग क्या होता है वन सेकंड एलेस कपलिंग जो है वो बहुत पॉपुलर स्कीम है ठीक है जे जी कपलिंग उतना पॉपुलर नहीं है अब क्यों नहीं है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे सो जे जे कपलिंग से पहले एल एस कपलिंग यहाँ पर देखते हैं तो एलेस कपलिंग को हम रेसल सेंडर्स कपलिंग भी कहते हैं रसल सेंडर्स दो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने इनके बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था यहाँ पे सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम एक्चुअली हम इनको इनकोजन के तौर पर पढ़ेंगे ताकि अच्छा अच्छे से पॉइंट याद हो जाएंगे सो इस दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज इज मोस्ट बिकॉज इट फाउंड इन एन लाइक एटम्स हैव लो एटॉमिक लो नंबर जिनका एटॉमिक नंबर लो होता है या फिर जिनका एटॉमिक वेट ठीक है एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर्स लो होता है जिनके कम पीरियडियो टेबल में जो कम एटोमिक नंबर वाले होते हैं उनके लिए ये

अगर मैं बात करूं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब इन सब का पर्टिकुलरली ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंटम होगा ठीक है इन सब का पर्टिकुलरली ऑर्बिट और स्पिन मोमेंटम है वो वो ऑर्बिट और स्पिन मोमेंटम जो होगा वो कम होगा उन पे जो प्रभावी होगा जो उनको डोमिनेट करेगा उन पे जो डोमिनेट होगा वो कौन होगा इनके बीच का इंटरेक्शन ठीक है ऐसा कह रहा है ना यहाँ पे समझिए द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम

खुद का वाला जो होगा वो कम होगा आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ऑर्बिटल हो और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वो डोमिनेट होगा प्रभावी होगा किससे खुद वाले के ना इंटरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन मतलब प्रत्येक का खुद के जो ऑर्बिट और, और स्पिन मोमेंटम होंगे वो जो होंगे उससे ज्यादा उनके डिफरेंट एटम वाला ज्यादा होगा ठीक है So, ये बात थी इसके अंदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं पे next हैं पे नेक्स्ट आपके पास में आता है द टोटल एंगुलर मोमेंटम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कपल टू गिव द टोटल एंगुलर ठीक है ये जो पूरा होता है जे एल और एस मिल के जो होते हैं वो जे बनाते हैं जिसको हम कपलिंग कहते हैं ठीक है ये कपल बनाते हैं ठीक है एल प्लस एस इज इक्वल्स टू जे होता है उसको हम कपलिंग कहते हैं और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे देता है सो जो एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है एल 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 वन वैक्टर एल टू वैक्टर एल एन वैक्टर तक जाता है मतलब बहुत सारे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के एल एल को जोड़ के उनका बनाया जाता है हम टोटल एंगुलर एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और ये जो होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है जिसमें एस वन एस टू एस थ्री जो होता है उनके स्पिन होते हैं इन दोनों को एड करके हम क्या बनाते हैं एल प्लस एस बनाता है ठीक है ठीके? ये होता है इसका पूरा पे हमने लिख रखा है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी अनियत इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबके लिए ठीक है अब इनके जो डायग्राम के कर, अगर हम बात करेंगे रिजल्टेंट अगर हम एक एग्जाम्पल से तो समझने की कोशिश करें उनका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा ठीक है अब देखो समझने की कोशिश करना यहाँ पे हम बात करते हैं ये है ये एलवन है मान लीजिए ये एलवन अब रिजल्टेंट कैसे बनता समझिए ये समझिए है

रिजल्टेंट होंगे वो कैसे मिलेंगे समझना रिजल्टेंट जो आपको मिलता है यहाँ पे रिजल्टेंट जो मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे ठीक है इनके जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो यहाँ से ये हो जाएगा एल का रिजल्टेंट और ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्ट ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक है ये जो है ये और ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिल गया ठीक है फिर बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो मिल जाएगा वन सेकेंड

एस टू है ये एस वन है एल एस कपलिंग एल और एस के बीच का कपलिंग होगा तो ये वाला रिजल्टेंट आपको मिलेगा ठीक है इन दोनों के के बीच बीच का का कपलिंग 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 होगा होगा तो तो ये ये रिजल्टेंट रिजल्टेंट मिलेगा मिलेगा इन का 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 कप्लिंग तो मिलेगा। इन दोनों दोनों में ये रिजल्टेंट मिलेगा तो ये इस टाइप से आपको तीन रिजल्टेंट आप एक एग्जाम्पल लेके समझा और ये होता है एल एस कपलिंग ठीक है अब बात आती है जे जे कपलिंग के बारे में जे जे कपलिंग क्या होता है दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कपलिंग और इस सेकेंड टाइप ऑफ कपलिंग में हम बात करते हैं जे जे कपलिंग के बारे में तो जे जे कपलिंग में क्या होता है ये, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्यों नहीं है आप समझिए यहाँ पे इट इज नॉट पॉपुलर सो ये इट इज नॉट वेरी पॉपुलर इट इज फाउंड इन देवियर एटोमिक मास जिनका एटोमिक मास ज्यादा होता है एटोमिक नंबर ज्यादा होता है उनमें यह पाया जाता है दिस टाइप ऑफ कपलिंग इन द इंटरेक्शन बिटवीन अब देखो दो इलेक्ट्रॉनों के डिफरेंट टाइप्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो इसमें कम होगा जबकि जे एल कपलिंग में क्या था ज्यादा था ठीक है इसमें इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बीच का ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंट एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसका ऑर्बिट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा उनका यानी एस और एल कह देते हैं एस और एल का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा और खुद वाले का एक पर्टिकुलरली खुद के एल और एस का आपस में जो जो होगा वो ज्यादा होगा ठीक है ये इसको डोमिनेट कर देगा तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है अपोजिट होता है इसके अंदर। वो हमने पे लिखा है इंटरेक्शन द स्पिन स्पिन एंड ऑर्बिटल ऑर्बिटल ठीक है उनका खुद का स्पिन स्पिन और, 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 और से उनको क्या कर देता है वो डोमिनेट कर देता है यहाँ पे जे वन जो होता है वो एल जे जो अभी हमने बताया जे, जे जो होता है वो क्या होता है एल प्लस एस होता है और यहाँ पे जो जे जे वन होता है वो एल वन एस वन को ऐड किया जाता है ठीक है और जे टू जो होता है वो एल टू एस टू को ऐड करके लिया जाता है जे थ्री यहाँ पर एल टू एस थ्री सॉरी जे थ्री एल थ्री एस थ्री को हो जाएगा तो ये जो लास्ट में जो जे बनेगा ना जे वैक्टर जो होगा वो दैट इज इक्वल्स टू जे वन प्लस जे टू वैक्टर ठीक है ये जे थ्री वैक्टर जे फोर जे एन तक ये चलता जाएगा तो इस टाइप से ये सारे अलग अलग टाइप के एट, uh, जो आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की जे जे कपलिंग आपको यहाँ पे मिलती है अब देखो ये कैसे बनेगा इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें बड़ा सिंपल सा इसकी डेफिनेशन आपको याद रखने ज्यादा कुछ इसमें है नहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको किस टाइप से मिल जाएगा ओके okay. मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हमने ये ले लिया एल ठीक है ये एल हो जाएगा ये एल हो जाएगा और ये हमने यहाँ से ले लिया है दिस इज दल के बारे में तो ये एक एल हम यहाँ ले लेते है। ले ले हैं एस ले लें सॉरी ये एस हो जाएगा और इधर की बात करते हैं तो ये भी एक एस टू हो जाएगा ठीक है ये एस वन हो जाएगा ये एस टू हो जाएगा तो अब इनके बीच की जो कपलिंग होगी उनको हम उस, ये इन दोनों का ना एस वन एल वन एड होगा एस एल एच वन एल वन एड होगा तो जे वन आपको यहाँ से मिलेगा ठीक है तो जे वन का जो कपलिंग होगा वो किस टाइप से होगा अगर हम जे वन की बात करें यहाँ से तो जे वन का जो कपलिंग मिल रहा है उसका रिजल्टेंट आपको जो मिलेगा वो यहाँ से ये मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट ठीक है सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्टेंट जो है वो आपको किसका मिलेगा यहाँ से इन दोनों के आपस में जो कपलिंग होगी उनका नेक्स्ट रिजल्टेंट मिल जाएगा और एल एल आपस में जो बनेगा उसका जो बनेगा वो जे कपलिंग होगा ये जे कपलिंग ये हो जाएगा अगर हम बात करते हैं दिस इज जे दिस इज आल् जे और एक कपलिंग जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ ओके ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है आप रिजल्टेंट वैसे एड भी कर सकते हैं

और उसमें जो होता खुद का लाइक डिफरेंट टाइप्स का जो होता है डोमिनेट ज्यादा करता है बस ये था इसके अंदर आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सोट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो की वॉचिंग एम में इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए माने चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय